दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर पर सख्त रवैया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेतों में पराली जलाना किसानों का अधिकार नहीं है। पराली जलाने को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है और कहा कि अगर पराली जलाई जाती है तो सभी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऑड इवन फॉर्मूला पर भी सवाल खड़े किए, जिसके बारे में हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे बता रहे हैं। लोग मर रहे हैं पॉल्यूशन के कारण और इसके लिए क्या किया जा रहा है, हम स्टेप्स लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यही रुख रवैया अपनाते हुए कई डायरेक्शंस इशू किए हैं दिल्ली में प्रदूषण और दिल्ली के आसपास प्रदूषण को देखते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तीनों चीफ सेक्रेटरीज, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना होगा 6 तारीख को। अगली सुनवाई के दौरान वो उन्हें खुद बताना होगा कि क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, खास तौर से जहां पराली जलने की बात की जाती है खेतों में कि पराली जलने पे अब तक क्यों नहीं रोक लग पाई, तो चीफ सेक्रेटरी को खुद जवाब देना होगा। ये भी उन्होंने कहा है कि अब से अब के बाद अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट सामने निकल के आता है जहां पराली जलाई जा रही है तो फिर ग्राम पंचायत लेवल से लेके सीनियर मोस्ट ऑफिशियल तक यानी कि चीफ सेक्रेटरी तक सब जवाबदेही होंगे, सब पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे और सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है एक्शन लेगी। तो यानी कि इसके बाद कोई भी ऐसा हादसा नहीं आना चाहिए जहां पराली जो है जलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान जानते हैं कि इससे जो है हानि होगी, प्रदूषण होगा, लेकिन तब भी वो कर रहे हैं तो एक तरीके से कोई उसमें सहानुभूति नहीं दिखा सकता सुप्रीम कोर्ट किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जीवन और मौत का सवाल है। प्रदूषण की वजह से सबका जो है जीवन जो है कम हो रहा है पोल्यूशन के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक भी शायद ऐसा कमरे में घर नहीं होगा जहाँ पोल्यूशन नहीं है और पोल्यूशन से बचने के लिए लोग दिल्ली या तो नहीं आ रहे हैं या दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। दिल्ली राजधानी है देश की और ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि दिल्ली को एकदम छोड़ के लोग चले जाएं, तो स्थिति को नियंत्रण में करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी ये पूछा है कि वो बताएं कि ऐसा कहाँ साबित किया गया है कि सड़कों पे गाड़ियाँ कम करने से जो है प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, यानी कि ऑड इवन स्कीम जो चल रही है उससे प्रदूषण का स्तर जो है कम हो रहा है। इसके बारे में भी दिल्ली सरकार जो है थोड़ा कुछ बताए और वो जो है वो 8 तारीख को बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को प्रूफ और एविडेंस के साथ। ये भी कहा गया है कि शायद बेहतर ये हो सकता है कि डीजल की गाड़ियों पे कुछ रोक लगाया जाए, खासतौर से जब पोल्यूशन का लेवल इतना जब बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।